प्रदेश भर में 6, 7 और 8 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। परीक्षा की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस लाइन में दिया गया अंतिम प्रशिक्षण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर तय समय से आधा घंटे पहले ही पहुंचकर प्रवेश लेना होगा। कोरोना महामारी के नियमों की पालना करनी होगी। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक्त नियमों की पूरी जानकारी कर लें ताकि किसी को परीक्षा के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि 40 स्थान वाले कक्ष में 20 परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा देनी है। अजमेर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज पुलिस लाइन में परीक्षा केंद्र संचालकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। 6, 7 और 8 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दो पारियों में परीक्षा होगी। गुर्जर आंदोलन और कोरोना महामारी के बीच जिला पुलिस को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराना चुनौती भरा काम है, पर पुलिस ने परीक्षा सुरक्षित और शांतिपूर्ण कराने की समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। किस तरह के आज एग्जाम को लेकर ये कांस्टेबल भर्ती एग्जाम है जो 6, 7, 8 को होनी है, तो इसके लिए आज सभी केंद्र प्रभारी जो कार्य करवा रही है वो कंपनी के प्रभारी सेंटर के और हमारे पुलिस की तरफ से जो लगाए गए हैं उनकी एक मीटिंग लेके कोई भी जो कमियां अगर कोई रही हैं तो संबंध में डिस्कस करने के लिए एक बुलाई गई थी। इस संबंध में होगी ये वार्ता। सभी इंतजामात माकूल हैं और उम्मीद है कि एग्ज़ाम है वो शांतिपूर्वक संपन्न होगा। कितने दिन तक चलेंगे ये? 3 दिन का है, 6, 7 और 8 को है, दो पारियों में, टोटल 6 पारियों में है। सुबह 9 से 11 है और 3 से 5 है। प्रार्थी सुबह 7 बजे पहुंचे यानी 2 घंटे पहले, और उसी तरह शाम वाले में है 12 बजे। किस तरह से कोविड को लेके सुरक्षा के बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं? मेडिकलिस्ट का लिखा गया है कि वो उपलब्ध करवाएगा सारा, जो सैनिटाइजिंग का काम है उनके लिए लिखा गया कलेक्टर साहब के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी।